नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म। एक बार हुआ ऐसा कि बहुत सालों पहले की बात है, जब गुरुकुल पद्धति थी। आप सबको पता है कि गुरुकुल पद्धति में 12 साल के बाद ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि के आश्रम में सब जाते थे। ऐसा ही एक आश्रम था जिसमें ऋषि अपने विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर रहे थे। उसमें से एक विद्यार्थी मूढ़बती होके सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। अंततः गुरु को गुस्सा आया, विचलित हुए और गुरु ने कहा वो शिष्य से कि बेटा आपका हाथ दिखा। वो शिष्य ने अपना हाथ दिखा। गुरु ने कहा आप ऐसा कीजिए, अभी ही ये गुरुकुल छोड़ दीजिए और घर पर जाइए। शिष्य ने कहा ऐसा क्यों? गुरु ने कहा कि आपके हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। शिष्य ने कहा ऐसी कौन सी रेखा होती है? गुरु ने दूसरे दूसरे शिष्य का हाथ दिखाया और दिखाया कि इसमें देखो ये विद्या की रेखा इसके हस्त में है, आपके हाथ में वो रेखा नहीं, तो आप लौट जाइए। ये पूरा जो वाकया था वो खत्म हुआ। शाम को वो शिष्य ने एक चाकू लिया और चाकू से अपने हाथ में वो रेखा खींच डाली। उसका तो पूरा हाथ लोई लुहान हो गया और वो शिष्य गुरु के पास गया और बताया कि देखो गुरुजी, मैंने अपने हाथ में यह विद्या की रेखा खींच ली है। गुरु को बोध हुआ और गुरु ने कहा कि तेरे जैसा शिष्य और तेरे जैसा विद्वान कोई हो ही नहीं सकता और तेरे नाम भविष्य में बहुत बड़ा हो। आप जानते वो कौन था? वो थे पाणिनि ऋषि। पाणिनि ऋषि ने व्याकरण का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जो आज भी अपने में एक मिसाल है। कहा जाता है कि ऐसा व्याकरण अब तक किसी ने नहीं लिखा, इतना अच्छा व्याकरण उन्होंने लिखा। ये कहानी पढ़ से हमें ये बोध मिलता है कि हमें हमारी किस्मत पे नहीं रोना चाहिए। हाथों की लकीर को ध्यान में रखकर हमें काम नहीं करना चाहिए। हाथ में अलग अलग अंगूठियां पहनने से हमारी किस्मत नहीं बनती, किस्मत कर्म से बनती है। अगर आप कर्म करेंगे, एक उद्देश्य के साथ कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे और सही दिशा में मेहनत करेंगे, तो आप आपका लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ये हाथ की लकीरों को सोचना छोड़ दें और मेहनत से आगे बढ़ते हुए अपने हाथ की लकीरें खुद बनाएं। ऐसे ही एक विचार के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वाति अपनी वाणी को विराम देता है। अगले एपिसोड में फिर से एक बार नए विचार के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सबका शुक्रिया।